बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसीसीपी के से मैं हूँ अहमद शेख और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब राशिद हामिद साहब। राशिद साहब, हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो मौजू है जो आज हर घर में है, हर दफ्तर में है, हर कैफ़े में है, हर बाज़ार में है, हर शॉपिंग मॉल पे जो बंदा हज़ारों के शॉपिंग कर रहा है वो भी ये बात कर रहा है, महंगाई है, तबाही है, पैसे नहीं ना। जाहिर है कि आपके डेली जो आपके कंज्यूम करनी है, आपने आलू मटर गाजर सब्जी खाना पीना डबल रोटी रोज़मर्रा की चीज़ें तो आपने लेनी है। लेकिन हम भी कई ज़माने में ये बात कहा करते थे कि बहुत महंगाई है यार, बहुत महंगाई है, लेकिन इस दफ़ा बस हो गई। हमारे आज की गुफ्तगू का ये मौजू होगा, ये महंगाई कैसे हुई, क्यों हुई, और जो लोग महंगाई में महंगाई करने में पीपल्स पार्टी के और नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिले हुए थे, मैं मौलाना फजल रहमान साहब का भी जिक्र करूँगा, जो आज उनको वो गालियाँ भी देते हैं, कभी मिल जाते हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो आज बाहर निकल रहे हैं सड़कों पे महंगाई का रोना रो रहे हैं, इन्होंने अपने दौर में इनका क्या किरदार था उस पर भी हम कुछ बात कर सकते हैं। एक ही हमाम के लोग हैं, एक ही हमाम के लोग हैं। और एक बहुत तकलीफ दे बात समझ नहीं आई कि गवर्नर स्टेट बैंक कितने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हुकूमत के ऐसे शख्स की ज़बान से ये बात कहते ना कि इस मुल्क में रेमिटेंस जो है इनक्रीज़ हो रहा है, कुछ को नुकसान होता है, कुछ को फ़ायदा होता है। इम्पोर्ट जो लोग करते हैं, महंगा माल खरीदते हैं, उनको वो ख़रीद सकते हैं, ज़ाहिर है उनके पास पैसा, वो हम तो बाहर का माल नहीं खरीद सकते, इसलिए हमारे पास कोई हराम का पैसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो लोग बाहर का माल खरीदते हैं उनके पास हराम का पैसा, यकीनन उनके पास हलाल का पैसा भी होगा, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको याद है कि हम कहते थे बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, अगर आप ये सोच डेवलप कर लेते तो क्या पाकिस्तान की आज ये हालत होती? पाकिस्तान की वेंडर इंडस्ट्री टोटल तबाह है, मैं बड़े बसूख से ये कह सकता हूँ। पाकिस्तान की वेंडर इंडस्ट्री जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते थे, जहाँ साइकिल की चेनें बनती थी, नट बोल्ट बनते थे और चीज़ें बनती थी, वो मुकम्मल तबाह है। जब इस सूरत हाल में आप बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा लेते जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। राशिद साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, दुखी भी हैं आप, इसलिए कि आप भी पेंशनर हैं और भी बहुत लोग पेंशनर हैं। अब बात यह है, हकूमत जिन लोगों ने इस मुल्क की तामीर के लिए बहुत बड़ा काम किया और ईमानदारी से काम किया, कोई 12वें ग्रेड में रिटायर हो गया, कोई 6ठे में रिटायर हो गया, कोई 7वें में, कोई 18वें में, कोई 20वें में रिटायर हुआ, ये पेंशन होल्डर लोग जो आपकी फाउंडेशन जिन्होंने बनाई थी, इन लोगों के बारे में हुकूमत ने कुछ सोचा है? नहीं, मेरे ख्याल में आज तक कोई 3 सालों में तो आप महंगाई के बारे में एक ओवरव्यू है, एक जायजा हमें ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है? आपको कहीं रिट नज़र आती है, आपको कहीं कोई पॉलिसी नज़र आती है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत कंट्रोल कर लेगी इसको? देखिए सर, एक बयानिया ये आ रहा है, वो नू लीग वाले भी करते हैं, वो पीपल पार्टी वाले भी करते हैं कि नलायक नाअहल और इस तरह की हुकूमत और इस तरह के लोग। तो अब आपके ने वो बात की है, वो बाकर साहब हैं गवर्नर स्टेट बैंक, तो उनकी बात आपने सुन ली है कि जनाब अगर 20 करोड़ अवाम को नुकसान है तो 10 लाख बंदे जो बाहर से पैसे भेजते हैं तो उनको तो फ़ायदा हो गया। बात ये है कि बात मुल्क की हो रही है, आप बंदों के हिसाब से कर रहे हैं, और इनको ये शर्म नहीं आती कि जो बाहर से लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपनों को यहाँ पर फीड कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत से जो यहाँ पैसा आता है उसको आपने फिर यहाँ पे लूटना शुरू कर दिया उन लोगों से। आप उनका पैसा भी लूट रहे हैं जिनको आप क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब वो आपको पैसे भेजते हैं, एक्चुअली तो उनको यहाँ पाकिस्तान में वो आके लूट रहे हैं फिर। अच्छा, पैसे भाई साहब यहाँ मैं चुके, फिर आप तो अपनी बात को जारी रखें, मेरे जिन में एक पॉलिस पर ये भी बात आई, ये कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हम उनकी बेनिफिट के लिए काम करते हैं। आप बिलीव कीजिए, मुझे जितने लोग मिले सब आंसुओं से रोए। आंसुओं से रोने से मुराद यह है कि दे आर ऑल अपसेट। रीज़न बीइंग मैं आपको रियल स्टेट की बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं हो सकता है किसी में उनको फ़ायदा भी हुआ हो। जिन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए थे, प्लॉट लेके चले गए, आज वो प्लॉट के मालिक नहीं हैं। आज उनको जिन लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा है ना,
आज उनके पीछे वो कहीं से कनाडा से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई एफिडेविट लेकर आ रहा है कि ये प्लॉट मेरा था। आपने उनके साथ तो ये सलूक किया, जो आपको फीड कर रहे हैं उनके साथ आपका ये सलूक है, तो बाकियों के साथ आपका क्या होगा? देखिए बात यह है कि जिस मुल्क में कोई कानून ना हो, कोई जाब्ता ना हो, देखिए बात सारी हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे जैसा कि पसमानदा लोग हैं, यहाँ पे तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाहर से इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे थे। ये मैं पिछले कोई 20-25 साल से ये बाहर से इन्वेस्टर को इनवाइट करने की बातें सुन रहा हूँ। 20-25 साल में कभी आपका दहशतगर्दी का इशू चल जाता है, कभी कोई चल जाता है। बात यह है कि सारी चीज़ों के साथ साथ कहीं की रूल की कोई इम्प्लीमेंटेशन, कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी पाकिस्तान में है कहीं? अगर रूल की या कानून की इम्प्लीमेंटेशन होती तो यहाँ इन्वेस्टर्स की कभी तो कोई नहीं है दुनिया में। वहीं जाएंगे लोग जहाँ पे जाके उनको पता होगा कि यहाँ कोई कानून है, कोई जाब्ता है। यहाँ तो कोई कानून जाब्ता ही नहीं है। इसलिए आपको आज तक बाहर से पिछले 25 सालों में या 30 सालों में यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आया। हाँ, जो यहाँ पे इन्वेस्टर आपको नजर आए हैं, ये आपने हमेशा उनको जब आती है गवर्नमेंट और कोई ना कोई स्कीम दे देती है कि लाए जी हम आपकी वाइट कर देते हैं, आप 2% दे दें, 10% दे दें, तो बाकी आपकी मनी जो है वो वाइट हो जाएगी। वो जो ब्लैक मनी है, अगर यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो ब्लैक मनी की इन्वेस्टमेंट है असल में सारी, और जो लोकल की है या बाहर की है थोड़ी बहुत। अच्छा एक ही राशिद ये बताइएगा कि हुकूमत का ये दावा था नवाज शरीफ से भी पैसे निकलवा लो, जरदारी सबसे भी पैसे निकलवा तो लिए हैं, बिलियंस उनके पास कहाँ हैं? सर वो अवाम से निकले नहीं, आप बिलियंस की बात कर रहे हैं, आप इससे ऊपर की भी अगर बात करें, जितना अवाम से निकाला है उन्होंने, उनसे थोड़ी निकालना था। नहीं सब एक चीज समझने से हम कासिर हैं, आप कोई चीज रिकवरी तो हो गई है, आप कोई आपको एफबीआर ने भी बहुत मारा हुआ है। देखिए कौन सी जगह है जहां आप टैक्स पे नहीं करते? आप स्क्रैच कार्ड लेने टेलीफोन का आप टैक्स पे करते हो, आप खाना खाने आप टैक्स पे करते हो, आप बिल्कुल वेस्ट की तरह ही टैक्स पे करते हो, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पाकिस्तान के बंदे एंड प्रोडक्ट लेने से पहले टैक्स पे करते हैं, वो मुल्क कैसे गरीब हो सकता है? मीन करप्शन तो इनको ये समझ नहीं आती। सर सबको पता है ये सारे करप्ट हैं। आप अपने इमरान खान साहब को सुन लें ना कि वो महंगाई होती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। बात ये है कि किसी अब देखें एक ये पिछले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि सिर्फ ये पिशावर साइड पे जाऊँगा कि जी एडिशनल एसी ने नहीं इधर कोयटा साइड पे एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने वो जनाब रहा डीजल के ट्रक पकड़ लिए, वो सामान पकड़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये दूध के ट्रक पकड़ लिए जाली, ये 2 नंबर दूध। बात ये है कि पाकिस्तान में आप ये देखें ये ड्यूटी इनकी थी, ये पहले भी ये सारा कुछ मौजूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का पहले दिन से मौजूद है, कोई हमने नया नहीं बनाना था। अब कितनी ये देखें जी फूड अथॉरिटियाँ बन गई, हर महकमे के अगेंस्ट एक अथॉरिटी बन गई है, और हमारी प्रोग्रेस जो है वो फिर भी वही है, क्योंकि काम तो किसी ने करना नहीं है। पहले वो ही बात थी कि वो मैंने आपको ये था पहले भी बताया था कि वो नारोवाल जब ज़िला बना तो हमने कहा कि लोगों ने कहा मेरे कान में ये आवाज़ पड़ी कि जनाब ये तो ठीक है लेकिन ये खर्चा कैसे उठाएगा? तो मैंने एक दिन पूछा कि ये कैसे आप कहते हैं कि ये ज़िला चल नहीं सकेगा? तो उन्होंने कहा जी पहले वहाँ एक DSP होता था, अब वहाँ SP आ गया है, पहले वहाँ एक AC होता था उसका खर्चा वहाँ पे पड़ता था, अब DC आ गया है। तो पहले वहाँ एडिशन चेंज जज जाता था कभी कभी और सिविल जज होता था, अब वहाँ सेशन जज आ मैन पावर बढ़ा। देखे ना बात ये है नहीं मैन पावर बढ़ाने से खर्चा नहीं पड़ा, उनके एक्सपेंस जो उनकी शाना लिविंग उनके लिए जो आवाम से ग्रैब करियर करना था उन्होंने, तो वो तो जनाब नारोवाल जिला जो है उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है तो वो इन अफसरों के खर्चे उठा। अच्छा सब एक और चीज भी यहाँ ये तो बड़ी इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, जहाँ मर्जी थे एनालिसिस करा लें, आप रेलवे देख लें, आप PIA देख लें, आप PTV देख लें, आप रेडियो पाकिस्तान देख लें, अब बहुत से और इदारे आप देखें कि जहाँ 10 बंदों की जरूरत है ना वहाँ आपने 100-100 बंदा मुलाजम रखा हुआ है। ये बंदे मैं तो चूंकि खुद एक गवर्नमेंट के ओहदे पे रहा हूँ, मैंने देखा है कि जहाँ मुझे 4 बंदों की ज़रूरत थी ना मेरे अपने डिपार्टमेंट में वहाँ 15 बंदे थे, मुझे ज़रूरत नहीं उनकी। कोई नवाज शरीफ के दौर में बंदे आ गए, कोई जरदारी के दौर में बंदे आ गए, किसी ने कुछ कर लिया। तो यहाँ हमें इस वक्त जहाँ 30% आपकी मैन पावर से हम काम चला सकते हैं, इस वक्त हम 30 के बजाय 100 बंदों से भी ज़्यादा पे वो काम चला रहे हैं। हुकूमत के पैसे गए, हुकूमत उनको तनख्वाहें दे रही है और मिलियन में दे रही है,
ये चीज ने पाकिस्तान सर, का तनख्वाहों का एक तो अलग इशू है ना सर, एक इसमें ये सब्जेक्ट है सर कि यूनियंस बन गई हैं, काम कोई करता नहीं है। अब हमारे मिनिस्टर देख लें सर, कोई ये हुकूमती अहदेदार देख लें जो मुलाजम है बड़ी सीटों के ऊपर, बड़े अफसर बने हुए हैं, उनसे आप ये पूछें कि जनाब आपकी ये पिछली सीट पे भी आप पोस्ट थे, आप वहाँ भी पोस्ट थे, आप वहाँ भी पोस्ट थे, आप मुझे ये बताएं आप, या मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब हैं, फवाद साहब हैं, या और भी लोग हैं काफ़ी सारे जो रेपिटेशन में हैं, वो आठ आठ दस दस दफ़ा वजारत में रह चुके हैं, सिर्फ इनसे बंदा एक सवाल पूछ ले कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपने आज तक अपनी मिनिस्ट्री में क्या आवाम को डिलीवर किया है, ये इस मुल्क या नेशन के लिए आपने क्या किया है ऐसा काम, हमें भी बता दें। कोई सर इनके पास एक बंदे के पास भी अपना बताने के लिए एक जवाब भी नहीं है कि जनाब हमने ये सिरस की, हमने ये किया या हमने ये किया। अब देखिए तो, कभी भी जब भी जिक्र होता है ना तो कभी कमाम ने नहीं कभी सुना कि किसी बंदे ने कहा कि यार उस दौर में फलां बंदे ने ये काम किया था। अब जब भी कभी जिक्र होता है ये कहता है यार वो आयासी और तबाह करके चला। अब जी अब कौन तो जाहिर है कि ये मुझे तो एक शक हो गया, मैं तो सोच में बाज़ों का सोचता रहता हूँ इस बात पे कि पूरी कौम एक अजीब साइकोलॉजिकल एक प्रेशर में है, और ये जो इनका विजन, इनका ब्रेन और हमारे बच्चों पे जो इसका असर पड़ रहा है, ये तो राशिद साहब ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर आप देख लेना कि आप कोविड-19 के इशू में आप बच्चों के जो नंबर आए हैं, आप तो एजुकेशन को भी टीचिंग भी करते रहे हैं, ये उसमें मतलब उसमें देखेंगे ये क्या है। हाँ, उसमें बड़ा अच्छा एक कुछ समझ नहीं आता, एक बड़ा अच्छी पोस्ट लगी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ट्रेन है उस पर हजारों लोग छतों पे बैठे हुए हैं उसके, और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं कि चलो चले वहाँ जाके एफए का इम्तिहान देते हैं। अब ये बड़ी बड़ी इंसल्टिंग चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, कि आपने बस आपने ऑर्डर करना ये क्या कि आप ये करें। अब जो बंदा इस तरह से निकल के सामने आएगा जिसकी एजुकेशन ऐसी होगी, क्या वो तामीर वतन करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल राजेश साहब, ये हमने महंगाई पे बात की, हमने स्टेट बैंक के गवर्नर की बात सर, की सर, किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि हम सर कोई बंदा किसी पोस्ट पे अपने मिनिस्टर को लगाया उससे पूछे ना, किसी अफसर से पूछे भी तुम यहाँ पे सर्विस कर रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो तुम? ये तो बड़ी दुख की बात है राशिद साहब। अगर हम बात करते चले जाएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम भी खत्म चलता जाएगा और खत्म नहीं होगा। सर मैं एक छोटी सी बात आपको एक बात करता हूँ, बात यह है सर कि पिछले दिनों अफगानिस्तान की हुकूमत आपके सामने है, उनके जो भी सरबराह हैं उन्होंने कहा कि अवाम के लिए कल से 40% रिड्यूस कर दें कीमतें रोज़मर्रा के मसाइल जो है ज़रूरतें हैं। सर उसको ये कहने के बाद उसको ये पूछने की जरूरत नहीं कि ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, हुक्म इम्प्लीमेंट हो गया, हो गया उसी लम्हे हो गया। इवन के उन्होंने PIA को खत लिख दिया और कहा कि अगर आप हमारे जो मुसाफिर हैं आप इनका किराया कम नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लॉक करेंगे। ये होती है फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन, नहीं फोर्सफुल नहीं सर, मतलब उन्होंने हमारे फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन, सारा हुकूमत फोर्स होती है और आवाम की नहीं। सर बात पता क्या है, उनको उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया, उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे अपने आवाम के लिए, अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी अगर जज्बा ऐसा होना कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें तो यकीनन मुल्क बहुत आगे जा सकता है। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। महंगाई का रोना है, ये रोना ऐसा रोना नहीं है जिसको हम कहते हैं कि आम रोना, ये हकीकी तौर पे पाकिस्तान की कौम के 80% लोग इस वक्त डिप्रेस्ड हैं, शदीद तरीन महंगाई की लहर में पिसे हुए हैं, पाकिस्तान पे कर्जे का बोझ आ रहा है, और जब तक हम बैरूनी कर्जों पे इन्हसार करते रहेंगे पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह होती रहेगी, ये आवाम पिसता ही चला जाएगा, और जब आप बैरूनी कर्जों पे इन्हसार करेंगे तो फिर आपको डिक्टेशन लेनी पड़ेगी, और जब आप डिक्टेशन लेंगे तो फिर आप हुकूमत की सीट पर आप बेशक वज़ीर हों या बेशक आप रेड़ी लगा रहे हैं, आप दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। अहमद शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा हमें सोचना है, सोचना है और सोचना है।